व्लॉग स्टार्ट हो गया है। ये मेरा गर्म पानी, नींबू, बेटी खाला यहाँ पे, हरी भुट्टा, और आप क्या ये लेके बैठी हो? खरबूजा खा रहे। ये सारे कपड़े अम्मी यहाँ पे सुखा रही है, ये देखो ये देखो, क्योंकि बारिश इतने दिन से चली गई थी और बारिश फिर आ गई। बारिश में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ कपड़े सुखा। वॉशिंग मशीन अभी खराब ही, सुखा नहीं सकते। क्यों? वो सूखने की एक दो साल से खराब है, हमने नहीं किया। ओ, आंटी हाय। हाय आंटी, आई हुई थी बस, आज आंटी अभी जा रही थी तो सोचा सब लोग बैठ के बातें करते हैं। सबको मिलके जाना है ना, अम्मा को। हाँ। सबको मिलके अच्छा लगता है जब कोई आता है। हाँ, जाने का कितना बुरा लगता है। हाँ, लेकिन जल्दी से जाके फिर आ जाओ, जल्दी से आ जाइएगा। फ्रेंड्स, ये लोग स्कूल से आ गए हैं और आज बड़ा टेंशन वाला माहौल है स्कूल में। बच्चे बहुत गलत गलत कर रहे हैं, ऐसे करके रखा है क्लास को, कोई सुनता ही नहीं है टीचर की भी। बेटी खाला कह रही है सही बात है, पहले हमारे टाइम पे थोड़ा मार पड़ती थी तो सही रहता। हाँ, था नहीं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ऐसा ना करना चाहिए। ना माँ बाप समझा रहे हैं। हाँ, ना समझाना चाहिए। तुम लोग तो नहीं कभी कुछ गलत करने बोला कि रुमाइसा करती बॉडी पूरी, सब लोग कुछ भी बोले लेकिन मैं उसे विश्वास करती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। और तुम सही से रहते हो? मुझे कोई पूछने नहीं आता पहली बार। क्यों? मैं तेरा जानता हूँ। बहुत ज्यादा स्कूल में कुछ नहीं बोलता है, इसलिए मैं चली आता, एक भी नोट नहीं आया। तो पढ़ाई में ऊपर नीचे हो जाए लेकिन बदतमीजी में कभी भी नहीं आना चाहिए। टीचर को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। टीचर घर में से, घर में माँ होती है, वैसे स्कूल में टीचर होती है। नीचे बैठ के खा लो, नीचे आओ, और आपसे कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम अपनी दाल पका रहे हैं। दाल? हाँ। कौन सी? क्यों, आप वाली दाल नहीं? बेटी खाले बनाई अरहर की दाल। हाँ। हाँ। और हमने बनाई मसूर की मूंग मिला के। यहाँ बनी है अरहर की दाल। ये चावल, चावल और ये खीर हमने बनाई थी कल। फ्रेंड्स, मुझसे पिछले 6 महीने से फेस पाउडर मांग रही है। हमने कहा लो घर पे इतने सारे रखे, इसमें से ही देख लो कौन सा चाहिए। अच्छा आया है तो क्यों पैसे बर्बाद करे, इसी को न लगाए। गद्दी सब नीचे गिराए हो। गद्दी? हाँ। इसको भी फ्रेंड्स अम्मी बोलती है गद्दी। बेटी के आने से पहले, बेटी खाना तुम्हारे आने से पहले पूरा ले रही है अम्मी। छीन लोगी ना तो वो ले लेगी। लगता है ये वाला चेक करो। और किसक थोड़ा यहाँ का मुका है, किसको ना यहाँ का मुका। जल्दी 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 लगी नहीं, ऊपर से ढक्कन खोलता है ना, ऊपर वो खींचो ऐसे। हाँ, अरे 4-5 बार दबा दिया। देखो तरीका होता ना, वो रखे एयर ले लेता है ना, बैठे बैठे यहाँ पूरा मेकअप हो गया। चेक कर करके ले रहा है ना इतना सारा, बहुत अच्छा है मेकअप। अब यही हो जाएगा, अब दोबारा मत मांगना शादी। हाँ, बस, हाँ, हाँ, हो जाएगा। तुम्हें तैयार करोगी? मैं अच्छा लो रे, मैं शादी में भी तैयार करूँ। जल्दी मेहंदी में तुम तैयार करोगी, शादी वाले दिन पार्लर में तैयार होंगे। जल्दी जल्दी के चक्कर में तुम्हारा मुंह बिगाड़ दिया। तो बिगाड़ दिया, जल्दी मेहंदी में टाइम ही नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो खुद अपना मेकअप नहीं करेगा। हल्दी मेहंदी भी कोई करेगा, वो भी अपने आप से होगा। पार्लर चले जाएंगे 3 दिन के लिए बुक कर दिया। मैं कर दूंगी रिजा, क्या फ्री तो रहूंगी। 3 दिन के लिए नहीं जाएंगे पार्लर में, सिर्फ शादी वाले दिन जाएंगे। वहाँ पे हल्दी मेहंदी है, मेहमानों को संभालना, काम करना, मेकअप वेकअप सब निकल जाएगा। संभालेंगे, उसके बाद हम लोग भी तो तैयार होंगे ना। मेहमानों को साथ भी संभालेंगे। मैं संभालूंगी, तुम लोग मुझसे सारा काम करा लेना, ठीक है? बस सिर्फ तुम बैठी रहना, खिलाएंगे मुँह में। हाँ, मैं डाइट करूंगी। 3 दिन के लिए छोड़ देना डाइट, तुम्हें अनार का जूस, तुम्हें फल, तुम्हें सब कुछ तुम्हें खिलाएंगे। कोई खाता है शादी में तो क्या रोटी खिलाएंगे? क्या खाना है? मीठा खिलाएंगे, अच्छा अच्छा खिलाएंगे। 3 दिन में कुछ मोटी नहीं होगी बेटा, शादी है। एक दिन में अगर मीठा खा लो तो अगले दिन चेहरा हमारा फूल जाता है। तो शक्कर की मिठाई नहीं खिलाएंगे, बाकी फल खिलाएंगे। हाँ। जूस मम्मी आप भी कुछ बोलो। खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, हम काम में लगे रहेंगे। एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी में नहीं उठोगी, वीडियो में खुद देख लेना सब लोग। एक कुर्सी में बैठ जाएगी, दूसरे में नहीं उठेगी। दूसरे से कैसे छोटे बच्चों की तरह बैठ के, कितना क्यूट। यहाँ पे सरफेस लाइट लगानी है और एक ये भी लगाना है बेडरूम में। फ्रेंड्स, कितना प्यारा सा लैंप है, हमने आइकिया से लिया है, कुछ क्लोथ का है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे लग जाए फिर आपको दिखाती हूँ। किस खुशी में? सनी भाई, किस खुशी में? आज लो फील कर रही हूँ ना। ये कौन सी खुशी है? खुशी नहीं है, कम है। मैं देखो आज मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं है। सुबह मैं भी लोग तो खाना मंगाते ही नहीं पता था। अरे तो गम और खुशी दोनों में भला होता है ना। बस मुझे सिर्फ आधा बर्गर। तुम्हें लो फील हो रहा, तुम ही नहीं खा रही हो। मेरा मन नहीं कर रहा। आई कैन नॉट डू भरोसा एंड लकी। अम्मा फ्राइज आए। वालेकुम अस्सलाम मम्मी सबकी तरफ से। आज मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। फीवर नहीं आ रहा मुझे, बस
जैसे लो लग रहा है, जैसे बीपी लो नहीं होता है, समझ लेते हो। अपना बुखार हम लोग को मत देना प्लीज। चलो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने नहा लिया है और मैंने ये कपड़े पहने हैं। और जब आप ऐसे अकेला कुर्ता लो ना, तो प्रॉब्लम होती है कि प्लाजो मिल जाता है लेकिन दुपट्टा नहीं मिलता। और दुपट्टे के लिए आप किसके पास जाओगे? अम्मी के पास, क्योंकि अम्मी के पास दुपट्टों का क्या है रेहान? कलेक्शन। थैंक यू अम्मी, तो मुझे अम्मी ने दे दिया। अभी मैं जा रही हूँ अम्मी मार्केट में। चलाक, ये तो मेरा ही है। हमसे इतनी चलाक है फ्रेंड्स। जब मैंने दुपट्टा पास से देखा, मैंने कहा ये तो दुपट्टा मैंने भाई के बर्थडे में, जब आपने देखा होगा ना, भाभी ने ऑफ व्हाइट थीम रखी थी, तब मैंने ये दुपट्टा लिया था कि अगर कुछ नहीं होगा तो मैं ये दुपट्टा ओढ़ लूंगी। और बेटी का ना खुद रखी थी मांगा, तो मुझे अंदर से ला के दिया और एहसान जता रही है कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारा चीज संभाल के रखे रहा, वक्त पे निकाल के दिया, लेकिन हम तुमसे अब ये दुपट्टा खुद अपने लिए मांग रहे हैं। सोच के बताऊंगी। मेरे बोल रही हो बेटी, देना चाहिए नहीं? अम्मा खुशामदी सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। मैं आपको इतना लेट इस ब्लॉग में मिल रही हूँ क्योंकि आज दिन भर मुझे बहुत एनर्जी नहीं थी, मतलब मन अच्छा था लेकिन मुझे ताकत नहीं मिल रही थी, और ऊपर वो लैंप वैम्प लगने में बहुत देर हो गई। अच्छा आपने देखा जैसे कि हम ऊपर लाइट लगवा रहे हैं, क्योंकि जो हमने वो रूम बनाया था इसमें हम कुछ शूट कर ले या कुछ फोटोज क्लिक कर ले, लेकिन हमारा काम ही नहीं निकल पा रहा है क्योंकि जो लाइट लगी हुई है उससे क्या हो रहा है पता नहीं, हमें सेटिंग सही नहीं आती है, बहुत डार्क होता है। तो हमने सोचा एक बार मेन जो सरफेस लाइट होती है ना वो होना जरूरी है। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले अपने अम्मी ने जैसे कहा था आयतल कुर्सी होना चाहिए घर के दरवाजे पे, तो वो ले लेते हैं। मार्केट पॉइंट आ ही गए ऊपर का सामान लेने के लिए। ये मेरी कमजोरी है। सबसे पहले बाल्टी, लेकिन ट्रांसपेरेंट होगी तो ही लेंगे। चार दे देना। चलो मिल गई ट्रांसपेरेंट, और सब मग भी होंगे। नहीं, ये डलिया में नीचे से पानी नहीं निकलेगा, वो नीचे से छेद वाली डलिया, नीचे वाली ग्रे दे दो। क्या बनाओगी? कब बनाओगी? अभी। क्या करने के लिए? अच्छा, फ्रिज में रख। ये ज्यादा ऊंचा तो नहीं है? नहीं, इतने चलते हैं। ये चलते थे, अभी नया आया है। जी नहीं, इससे नहीं संभलेगा मुझसे। अरे बनता है बहुत अच्छा। मैं अच्छा, हमें ट्रांसपेरेंट टब चाहिए, कलरफुल नहीं चाहिए। ये दोनों सही है। वो ये है ना, इसी ये टूटने वाली है। नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, ऊपर नहीं तोड़ेंगे। रिजा, मैंने कितने दिमाग की चीज याद दिलाई है, तो मैं ये नहीं ध्यान था हम लोग कहाँ रखते प्लीज। रिजा वो फिर प्रैंक करते बोलेंगे अम्मी आपने टब मंगाया था ना। ठीक है, घर के हिसाब से भी जा रहा है। हाँ, गोल्डन भी दिखा दो, व्हाइट ही ले लो। व्हाइट ना, बचपन जब हम स्कूल में थे फ्रेंड्स, तो 5 रुपए की नई नई पेंसिल आई थी, और तब इसे लेना बहुत बड़ी बात होती थी। शकला का बुम बुम। ये ले लो अम्मी गद्दा। ये दुबई की तैयारी हो रही है। चलो धर्म दादा भी हम लोग को यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ क्या ले रहे? शक्कर चाहिए यार। भाभी कुछ सब कुछ लेके ही जाएगी हमेशा की तरह। आयतल कुर्सी ले आए अम्मी। आयतल कुर्सी ला गई तो बहुत आराम रही, कुछ भंग वाला कुछ नहीं आवती है। दिन दूना रात चौगुना हुई आयतल कुर्सी ऐसी हो। हमने 4 सरफेस लाइट लगाई है। चलो आज का काम खत्म होता है, अभी चलते हैं नीचे, डिनर भी करना है। लैंप लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो ये बेड कवर्स और पिलो लाए ना, ये सब भी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नीचे लाए से अच्छा तुम लोग ऊपर चल के देख लो। 2 मिनट रुक जाओ, ये आयतल कुर्सी लगाने दो। बस माशाल्लाह, अब हिफाजत रहेगी हर बुरी चीजों से। मैं आपने टब मंगाया था, ये लो वो छोटा वाला टब, इसी का इतना बड़ा वाला। इतना दिन भर में हंसे नहीं तो हंसा रही है दिल। अरे हाँ, सच में टब बहुत अच्छा है, बड़ा सा से छोटा है उसका। अच्छा ग्रीला, आपने जो बोला था आपको काम के लिए चाहिए था। हाँ, तो नल के नीचे बड़ा मंगाया बेटी का, तो मैंने पानी पी लिया करो। हाँ, लोगों का लंच बॉक्स खराब हो गया था। रिजा ने बोला खराब हो गया, पूरा स्टिकर और हुक निकल रहे हैं आगे से। मेरा तो अच्छा था। रिजा ने और फूड के लिए तो मंगाया था ना, तो उसे बोल के। वो रिजा का है और ये तुम्हारा है। थैंक यू। मैचिंग हो गया। ये रिजा का लड़ो मत, वो देख रहा है रिजा, वो ले लेगा, मुझे पता है। देखा आपने ही लिया। कचरे का डब्बा सूखा गीला, जिसके लिए आपने मेरी अब तक जान खा ली थी, कचरे की पन्नी। एक ही नहीं, नीचे है लोग कहते गीला कचरा, अलग दो
सूखा अलग दो तो कंपनी भी समझ जाती है क्या बनाने में। कंपनी जब सरकार के ऑर्डर आते हैं तो कंपनी को पता चल जाता है, और यही कंपनी का दिमाग है और यही बिजनेस का दिमाग है कि आपको कौन सी चीज बनानी है जो मार्केट में बिकेगी। ये देखो सोचो कहाँ के लिए होगा, डस्टबिन है हाँ, ये किचन में रखा है हाँ, हाँ, कुछ भी डालना है हाँ, शुशी, खा, कुछ भी का। ये ऊपर की बाल्टियाँ सारी चीजें ग्रे और घर के मिला के लाए, कोई भी ऐसा कलर नहीं रहे। बाथरूम में नहाने के लिए इसमें बैठ के नहाते हैं, नींबू पानी पिलाओ। जो हम लोग इंडक्शन लाए हैं ना, तो इंडक्शन में सारे बर्तन यूज नहीं कर सकते, जिसके तले पे इस तरह होगा वो यूज कर सकते। और भारी बहुत है सारे, जमाना बदल गया है। इंडक्शन की कढ़ाई, मोदक बनाने के लिए मशीन लेके आई है, ये झाड़ू वॉशरूम के लिए। आप लोग मेरे घर आओगे तो आप लोगों को ऐसे ड्राई फ्रूट में डब्बे में सब भरा हुआ मिलेगा, मेहमान नवाजी करना चाहिए। बाकी अम्मी जो आपने कहा था लाइज़ोल फ्रेशनर कांच की, कांच का खाने के बर्तन भी तुम डिनर सेट भी घर से मिला के हाँ, अम्मी और मिल भी गए हाँ। इसमें क्या निकालोगी, बिरयानी हाँ। और ये प्लेट रोज नहीं इस्तेमाल करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोल 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 बोल। मैं गलती से छोड़ दी उस साल की, मुझे जिंदा चबा जाएगी। तौबा, सब कुछ बेचारी को अपने अल्लाह ने हिम्मत धीरे 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 हिम्मत दे दिए कि सब कुछ। छह बड़ी प्लेट, छह छोटी प्लेट, छह कटोरी, छह कप, दो डोंगे, बहुत है। छोटा परिवार सुखी परिवार। फ्रेंड्स आपको पता है, जैसे अम्मी ने अभी कहा कि डिनर सेट रोज मत यूज करना, इनकी आदत के चक्कर में हम लोगों को भोपाल के टाइम से कभी डिनर सेट में खाना नसीब ही नहीं हुआ। बड़े त्योहार में जो मेहमान आते थे उनके लिए, तब हमें भी कभी कभार कटोरी में खीर वीर मिल जाती थी, वरना जिंदगी भर स्टील की प्लेटों में खाया है। पहले की बात बहुत अलग थी, हमें पहले में बहुत फर्क है। क्यों? पहले पापा मतलब अकेले थे काम करने वाले, जो पैसा था लेते थे सामान, तो ऐसा लगता था कि अच्छा सामान रखे, कोई मेहमान है तो उनके लिए हाँ। हमेशा आपने सुना होगा बहुत ज्यादा सब्र से काम लिया है, तो कभी भी जिद नहीं किया कि मुझे ये नया चाहिए। तो पापा ने अगर एक बार कोई चीज ला दी है तो मुझे लगता है वो डिनर सेट आपने कितने साल चलाया होगा। वहाँ तो चलाया जितने साल, और अभी किसके पास है, हम जब तक चीज बिल्कुल मतलब बेजान होती तब हटाते तभी खरीदते। वो डिनर सेट जब से हमने होश संभाला था, वो देखा था आप लोगों के घर में भी रावल, ऑफ व्हाइट कलर का, उसमें हरे कलर की डिजाइन, और वो पूरी जिंदगी भर हमने अपना देखा है, और जब हम लोग अभी यहाँ शिफ्ट हो गए तो वो उसके पास चला गया। अच्छा है, सही सलामत है, उसी में तो खिलाते हैं। अभी भी बहुत सारा सामान नाजा खाला के पास, हर चीज में सबर किया तो मम्मी को अब हर चीजें मिल रही है। ये जब भी कोई पार्सल आएगा तो उसके लिए सिग्नेचर करने के लिए आपके पास ब्रश है। नीचे सारे पिंक, पिंक नहीं है हाँ। बेटी खड़े चश्मे के बाहर देख रहे हैं, पिंक नहीं ऊपर देख रहे हैं, नहीं नहीं नीचे नहीं ऊपर आगे हाथ नहीं ऊपर भी अलग है, कहाँ ऊपर इतना नहीं है, अरे ऊपर भी अलग है। ये नीला है, ये पर्पल है, ये व्हाइट है, ये पिंक है, यहाँ से तो व्हाइट है, नहीं नहीं ऊपर भी अलग है। अम्मी देख नहीं रहा आपको, मुझे सारे पिंक दिख रहा है। ये ऊपर से नीला है ना हाँ, देखो दिख रहा है ना, कहाँ नीला है रेजा, देखो इधर आओ, एक मिनट रुको, तुम बताओ ऊपर कहाँ है, नीला है, पिंक है, ले कहाँ, एक पिंक है, एक पिंक नहीं नहीं एक पिंक है, नहीं सिर्फ ये हाँ। ये पूरे आवा, ये पिंक है, ये नीला है, ये पर्पल है, ये पिंक है, ये वाइट हाँ। ऊपर से वाइट नहीं हाँ। ऊपर से एक ही पिंक है हाँ। ये देखो एक निकाल दो, अम्मी चश्मा लगाओ कलर वाला, क्योंकि वो ऊपर से पिंक क्यों बनाएंगे तुम ये बताओ। अरे पिंक दिखाई देता है, सारे पिंक क्यों, पिंक नहीं ये वाला, अरे वो ऊपर के भी पिंक क्यों, झूठ बोल रहा है तुम, पागल बनाया हो। देखो अभी मेरी बिल्कुल भी ताकत नहीं है, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दो, समसी कितनी अच्छी है, तो इसे कैसे पकड़ेंगे, बहुत इजी है, इससे बहुत अच्छा बनता है, ऐसा वाला जो होता है ना हाँ। अच्छा ऐसे ही तो होता है ना वो, जब हम लोग नीचे जाने लगे मुझे बहुत बीपी लो सा लग रहा है, कल आके पूरा किचन सेट कर लेंगे हाँ। ठीक है आप करा लोगी, आ जाएंगे हाँ। गाड़ी लग गई, दिन भर से बिल्कुल एनर्जी नहीं थी फ्रेंड्स, लेकिन व्लॉग कर रही थी और जब देखा तो बहुत लो था बीपी, उसके बाद सबने कहा चिप्स खा लो, ये खा लो, पूरी रात वॉमिट जैसा भी लगता रहा, इसलिए फ्रेंड्स व्लॉग की एंडिंग नहीं लिए। मैं आपसे मिलती हूँ ठीक होके, अल्लाह हाफिज़।